हेलो क्लास, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक का हमारा अगला टॉपिक है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा के बारे में मैंने बताया। डेटा क्या होता है बताओ जरा मेरे को, डेटा मीन्स क्या होता है? डेटा मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो का फैक्ट, चाहे वो नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेटा। डेटा क्या है? एक फैक्ट है जो नंबर के बारे में बताता है या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। अगर मेरे को प्यूपिल का साइज अगर देखना है, किसी का पिन पॉइंट हो सकता है, किसी का प्यूपिल डायलेटेड हो सकता है, तो क्या है, कैरेक्टर बता रहा है, एक एट्रीब्यूट बता रहा है, ठीक है। अगर मेरे को देखना है किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का हीमोग्लोबिन काउंट, तो क्या है, नंबर है, तो ये भी एक नंबर के फॉर्म में डेटा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेटा कलेक्शन क्या होता है और प्रेजेंटेशन क्या होता है। मान लो एक हॉस्पिटल है जिसमें 100 पेशेंट हैं, ठीक है। अब ये 100 पेशेंट का मेरे को बीपी देखना है, मतलब मेरे को अगर स्टडी करना है उनका ब्लड प्रेशर पे, अगर स्टडी करना है तो 100 पेशेंट लोगों का अगर मेरे को ब्लड प्रेशर पे स्टडी करना है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा सैंपल हो गया, ठीक है। अब इस पर मेरे को अगर स्टडी करना है तो मैं क्या करूँगा, 100 लोगों का लाइन से बीपी मेजर करना स्टार्ट करूँगा। ब्लड प्रेशर अगर मैं 100 लोगों का मेजर कर रहा हूँ तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, ऐसे 100 लोग हो गए। तो अब ये जो 100 लोग हैं, ठीक है, इन लोगों का अगर मेरे को ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो देखो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इनका नाम लिख लूँगा, नोट कर लूँगा, फिर उनका एज कितना है वो देखूँगा, उनका सेक्स क्या है वो देख लूँगा, फिर उनका ब्लड प्रेशर क्या है वो देख लूँगा, ठीक है। इस 100 के 100 लोगों का मैं ऐसा कलेक्ट करूँगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन। अब ये जो डाटा कलेक्ट हुआ था इसको मैं प्रेजेंट कैसे करता हूँ, अगर मेरे को मान लो किसी को दिखाना हो या फिर किसी को समझाना हो इसके बारे में कि किसका ब्लड प्रेशर कितना था या फिर किसका हाई है और कौन किसका नॉर्मल है और किसका बिलो नॉर्मल है, ठीक है, किसका लो है ब्लड प्रेशर, तो ये मेरे को अगर समझाना हो तो इसको मैं एक ही बार में समराइज कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं। मान लो अगर मैं एक टेबल बना दिया, ठीक है, और टेबल बना के मैंने क्या किया, इसमें अलग अलग कॉलम बना दिया, क्या किया, अलग अलग कॉलम बना दिया। ए हो गया सीरियल नंबर, क्या हो गया, सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, ठीक है, उसका एज, उसका सेक्स और उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है, सीरियल नंबर वन, ठीक है, सीरियल नंबर वन बोलो या फिर बेड नंबर वन बोलो, उसका जो भी नाम होगा यहाँ पे रहेगा, उसका एज होगा, सेक्स होगा, ब्लड प्रेशर होगा, तो क्या एकदम सीरियल वाइज सबका आ जाएगा, एक ही पेज पे सब लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग आसानी से उसको रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा, अगर मेरे को उसको ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो पेशेंट का एज हो गया और यहाँ पे उसका, यहाँ पे क्या हो गया, उसका ब्लड प्रेशर, जैसे 120, 130, 140, 150, ऐसे ऐसे करते करते 200 तक होगा, ठीक है। जिसका ब्लड प्रेशर 120 होगा उसको मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा, जिसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो 130 होगा इसको यहाँ पे प्लॉट करूँगा, जिसका ब्लड प्रेशर 180 होगा वो यहाँ पे प्लॉट करूँगा। तो अगर इससे ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि जितने भी लोग नॉर्मल है वो सब यहाँ पे हैं, जो एबनॉर्मल है मतलब जिसका 120 वो लोग यहाँ पे हैं, तो ग्राफ से मेरे को तुरंत समराइज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर एकदम, ठीक है। या फिर इसको हम लोग एक ऐसा डायग्राम के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये क्या है, पाई है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसमें जिसका ब्लड प्रेशर ये 100 में से, क्या बोला मैंने, ये 100 में से जिसका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है उतने लोगों को मैं इस सेक्टर में रखूंगा, बाकी लोग जितने लोग बचे ये सब क्या है, नॉर्मल है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 100% में से 20% लोगों का जो ब्लड प्रेशर था, क्या बोला, इसमें से 100 में से 20 लोगों का जो ब्लड प्रेशर था वो हाई था और बाकी लोगों का कैसा था, नॉर्मल था। तो ये भी हम लोग इसमें से दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कलेक्शन देखेंगे और उसके बाद प्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जरा कलेक्शन, अभी डाटा कलेक्शन होता कैसे है, देखो कलेक्शन, ठीक है, डाटा कलेक्शन इज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम देयर सोर्स। जो भी सोर्स है जहां से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन, ओके। अभी एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं आपको, अभी डाटा कलेक्शन जो होता है हम लोग जहां से भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हॉस्पिटल, क्या बोला मैंने, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल से मैंने क्या किया, 100 लोगों का ब्लड प्रेशर मेजर किया, तो हॉस्पिटल क्या था, सोर्स था, क्या था, सोर्स। अभी 100 लोगों का जो मैंने ब्लड प्रेशर जो मेजर किया ये क्या था, मेरा डेटा था, क्या था, 100 लोगों का डेटा था, ठीक है। डाटा कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम देयर सोर्स। तो अभी डाटा कहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके बारे में जरा देखते हैं।
द मेन सोर्सेज फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा इन मेडिकल स्टेटिस्टिक आर एक्सपेरिमेंट सर्वे एंड रिकॉर्ड। अभी डाटा कलेक्ट करने का ना अपने पास तीन मेथड है, एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा सर्वे से कर सकते हैं, और तीसरा रिकॉर्ड के फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं। अभी तीनों की जरा मतलब समझते हैं। एक्सपेरिमेंट, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है, देखो फिजियोलॉजिकल लैब में, बायोलॉजिकल लैब में, ठीक है, या फिर लैब में जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ से हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं, एक वो हो गया, जैसे किसी का एच बी काउंट करना है तो कहाँ पे होगा, लैब में होगा, तो वहाँ से जो डाटा कलेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी का बायोकेमिस्ट्री करना है, ठीक है, एलएफटी करना है, आरएफटी करना है, तो ये जो डाटा कलेक्शन है कहाँ से हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो रहा है, मतलब लैब में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे, ठीक है, ओके। फिर सर्वे मतलब क्या होता है, घर में घर घर घूम, मतलब एरिया में पूरा सर्वे करेंगे, हर घर घर में जाके घूमेंगे, पूछेंगे आपके घर में कितने लोग बीमार हैं, ठीक है, कितने लोग को टीबी है, कितने लोगों को मलेरिया है, तो क्या हो गया, सर्वे फॉर्म में डाटा कलेक्शन हुआ। फिर आता है रिकॉर्ड्स, जहाँ पे मान लो जहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होगा, कितने लोग का जन्म हुआ तो उसका रिकॉर्ड हॉस्पिटल में मिल जाएगा मेरे को, कितने लोग का डेथ हुआ है तो इसका रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा, शमशान भूमि पे मिल जाएगा। तो ये जो रिकॉर्ड है हॉस्पिटल में भी मिल जाएगा, शमशान भूमि में भी मिल जाएगा, तो ये जो रिकॉर्ड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स, वहाँ पे मेंटेन किया वहाँ से भी हम लोग डाटा जाके कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अभी जो भी मरेगा उसको जलाएंगे किधर, शमशान भूमि में जलाएंगे, ठीक है, या फिर वहाँ पे उसको बरीड करेंगे, तो जो कुछ भी है बराबर है, तो डायरेक्ट अगर शमशान भूमि पे गया तो वहाँ से मेरे को तुरंत कितने लोग का डेथ हुआ है समझ में आ जाएगा। और किसी का बर्थ भी होता है तो बर्थ का जो रिकॉर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेगा, तो वहाँ से जिसका भी मिलेगा तो मैं डायरेक्ट वहीं पे जाके अगर डाटा कलेक्ट करूँगा तो मेरे को सब चीज़ पता चल जाएगा, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। अभी जैसे कोविड का, जितने भी कोविड के पेशेंट थे, अभी कोविड के पेशेंट को डिटेक्ट कैसे करते थे स्टार्टिंग में, जैसे ही कोई पीसीआर करता था, पीसीआर का जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तुरंत जाके उसको जाके गवर्नमेंट जाके कॉन्टेक्ट करता था। तो ये क्या था, सोर्स देखते हैं कि कहाँ से हम लोग, कहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। एक हो गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दूसरा हो गया सर्वे, और तीसरा रिकॉर्ड, जहाँ पे भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। अब जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एक्सपेरिमेंट, मेडिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन लैब्स ऑफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हॉस्पिटल वार्ड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फंडामेंटल। अभी समझ में आ गया है, एक्सपेरिमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, जितना भी लैब्स होता है वहाँ पे होता है, वहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसका यूटिलिटी क्या है, तो इसका यूटिलिटी क्या है, एक थीसिस प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, डिसर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, थीसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक पेपर पब्लिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सर्वे, अभी सर्वे करके हम लोग कैसे करते हैं, घर घर में जाके जो पूछते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे। इट इज़ कैरी आउट फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इन द फील्ड एंड ऑल्सो यूज इन ऑपरेशनल रिसर्च। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है, इसका यूटिलिटी क्या है। अभी देखो सर्वे का यूटिलिटी क्या है, मान लो एक एरिया है, क्या बोला मैंने, मान लो एक रीजन है जहाँ पे लोगों को क्या हुआ है, ज्वाइंडिस हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, ज्वाइंडिस हुआ है, इतने सारे लोगों को यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइंडिस हो गया, ठीक है, या फिर वहाँ पे लोगों को मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया अगर यहाँ पे हो चुका है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉज क्या है मलेरिया का, अपने को मालूम है मॉस्किटो बाइट है, मतलब ये एरिया में मॉस्किटो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तो गवर्नमेंट सबसे पहला क्या करेगा, ये जितने भी लोग हैं जिसको मलेरिया होने का चांसेस है, जिसको अगर कंप्लेन ऐसा दिख रहा है फीवर विथ चिल्स का, उन सबको क्या करेगा, एंटी मलेरियल पहला चालू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या किया जा सकता है, दूसरा ये जितना भी एरिया है इसको पेस्टिसाइड से कंट्रोल किया जाएगा, मतलब जितने भी मॉस्किटो जहाँ पे ग्रो हो रहे हैं वो सब रीजन को क्या किया जाएगा, वहाँ पे धुआं वगैरह मारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पेस्टिसाइड छिड़कना स्टार्ट करेंगे, जिससे जो भी मॉस्किटो सब मर जाएंगे। क्लियर एकदम, ठीक है। इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन चेंजिंग ट्रेंड्स इन हेल्थ स्टेटस, मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इन्वेस्टिगेशन हजार्ड्स, ठीक है, ये क्या बताता है, जो भी चेंजेस आ रहा है हेल्थ में, या फिर हेल्थ में बोलो, या फिर इन्वेस्टिगेशन में बोलो, या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस में बोलो, जो भी चेंजेस आ रहा है तुरंत अपने को इससे एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इससे हम लोग कोई इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे प्रोवाइड फीडबैक विच में बी एक्सपेक्टेड टू मॉडिफाई द पॉलिसी एंड सिस्टम इटसेल्फ, जिससे क्या होगा, जैसे अभी मान लो इस एरिया में मॉस्किटो ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों को मलेरिया हो रहा है, बात क्लियर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अगर यहाँ पे महीने में एक बार मारा जाता था या फिर पेस्टिसाइड छिड़का जाता था, तो अब क्या किया जाएगा, दो बार किया जाएगा, या फिर दो से तीन चार बार किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी मॉस्किटो होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मलेरिया का जो केसेस है वो अपने आप कम होने लगेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड
ट्रिमली वार्निंग ऑफ पब्लिक हेल्थ हजार्ड, बात समझ में आ गया। इससे अपने को एक वार्निंग साइन मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, डेंजर है, तो उसके हिसाब से हम लोग को अपना पॉलिसी चेंज करते रहना चाहिए। बात क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी जगह होता है, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो कुछ जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का होता है गोइटर होता है, तो इससे अपने को समझ में आता है कि वहाँ पे गोइटर का केसेस ज़्यादा है, तो अपने को क्या करना चाहिए, पानी में थोड़ा सा आयोडीन मिला देना चाहिए, सॉल्ट में थोड़ा सा आयोडीन मिला देना चाहिए, जिससे क्या होगा वहाँ के लोगों को आयोडीन मिल जाएगा। तो ये सब जो डाटा कलेक्ट हो रहा है तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन भी निकालते हैं। ये सब किस में आएगा, सर्वे, इसका यूटिलिटी है, ठीक है। तो इतना सब लिखने का जरूरत नहीं है, क्या करने का, एक्सपेरिमेंट, सर्वे और रिकॉर्ड्स, इसका डेफिनेशन लिखने का बात खत्म हो गया। रिकॉर्ड्स, दे आर मेंटेन एज ए रूटीन इन रजिस्टर एंड बुक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है। अभी ये जैसे कि मैंने बताया बर्थ रेट, तो बर्थ रेट हर हॉस्पिटल जो रहता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे बर्थ रेट का सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया ही जाता है, ठीक है, कंपलसरी किया जाता है। डेथ रेट, ये हर शमशान भूमि पे जलाने से पहले या फिर दफनाने से पहले वहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया ही जाता है, ठीक है। तो ये सालों से होते जा रहा है, अगर मेरे को चेक काउंट करना रहेगा वहाँ से, अगर मैं भी जाके डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जो शमशान भूमि में होगा तो वहाँ पे अपने को पूरा कॉलम दिया रहता है, इसका कॉज क्या था डेथ का, ठीक है, नेचुरल था, ठीक है, या फिर कोई डिजीज था, तो वहाँ से भी मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। बर्थ रेट, वहाँ से हम लोग एक जन्म का जो भी है वो सब वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से अपने को वाइटल स्टैटिस्टिक पता चलता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, इलनेस इन हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल में कौन सा सबसे ज़्यादा मेजर इलनेस देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ये भी अपने को देखने को आ सकता है। जैसे अभी डेंगू हो गया, मलेरिया का जब ये सब चालू होता है, जॉइंटिस का जब भी चालू होता है साथ, ठीक है, यानी कि लहर जब चालू होता है, वेव आता है, तो अपने को हॉस्पिटल में देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेड है वो डेंगू से फुल है या फिर मलेरिया से फुल है या फिर जॉइंटिस से फुल है, उससे अपने को एक अंदाजा आ जाता है कि अभी ये सारा सब चालू है। क्लियर एकदम, ओके। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, ज़रा समझते हैं हम लोग। मेथड बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज, समराइज एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन यूजिंग वैरायटी ऑफ टूल्स सच एज टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम, ठीक है। जो भी डाटा हम लोग ने कलेक्ट किया, क्या बोला मैंने, जो भी डाटा हम लोग ने कलेक्ट करके एक जगह पे लेके आया, अब उसको क्या करना है, अपने को प्रेजेंट करना है। तो ये जो डाटा को जो प्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या करते हैं, डाटा को एक तो ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, और उसको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो भी उसको देखे उसको तुरंत समझ में आ जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब तुरंत उसको समझ में आ जाए। यूजिंग टेबल्स, एक तो हम लोग उसको टेबल से कर सकते हैं, दूसरा उसको हम लोग ग्राफ से कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग उसको डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको हम लोग टेबल से, ग्राफ से और डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अभी जरा प्रेजेंटेशन ऑफ जो डेटा है, इसके दो मेथड हैं, एक उसको हम लोग टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा उसको ड्राइंग या फिर विजुअल मतलब जो देख के तुरंत समझ में आ जाता है, मतलब हो गया ड्राइंग, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट में हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल के फॉर्मेट में कैसा होता है, एक सिंपल टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स टेबल होता है, फ्रिक्वेंसी टेबल होता है और मास्टर टेबल होता है। तो ये चार मेथड है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ड्राइंग में क्या आता है, इसमें आता है डायग्रामेटिकल आता है, तो जिसमें बार डायग्राम आता है, पाई डायग्राम आता है, पिक्चर डायग्राम आता है, मैप आता है। अभी जो बार डायग्राम है इसका भी फिर से तीन टाइप है, एक है सिंपल है, ठीक है, एक मल्टीपल है और दूसरा तीसरा प्रोपोर्शनल है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इसमें आता है हिस्टोग्राम आता है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन कर्व आता है, ठीक है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसको हम लोग ओगी भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर लाइन चार्ट आता है और स्कैटर्ड आता है। तो ये सब हो गया कौन सा, ड्राइंग का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल बोलेगा तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पेपर आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, बचपन में हम लोग उसको बहुत सारा बनाते रहते थे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके ओके, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अभी ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,